हेलो फ्रेंड्स जय माँ बगला मुखी अंदवा देखिए मेरी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई मैंने बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया था लेकिन बहुत सारे जो जो मुझे मानते वो आए और जो लोग जानते पहचानते भी जानबूझ के नहीं आए कोई बात नहीं लेकिन मैं एक बात बताती हूँ मुझे बुरा किस बात का लगता है मालूम है कि मेरी पूजा बिगड़ी नहीं मेरी पूजा तो हो गई लेकिन अभी जो बिगाड़ने वाले उनकी तो बिगड़ेगी लेकिन एक बात याद रखो कि अगर अभी विद्या देवी पैसा देने बुलाए या कुछ काम के लिए बुलाए या किसी को फ़ायदा दिलाया तो सब भाग भाग के आते हैं लेकिन अगर आप लोगों को मान सम्मान से इज्जत दे के कि किसी के पूजा पाठ में बुलाया तो आप लोगों को आने नहीं होता है तो उन लोगों के लिए बात है कि एक बात याद रखना कि समय एक जैसा नहीं रहता विद्या देवी का घर हमेशा दान धर्म वाला मैं उस खानदान से हूँ ना कि हमारे घर में दान धर्म ही किया जाता था ऐसी बात है मैं आपको बताऊँ मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ ना इतनी पैसे वाली भी हो गई हूँ ना तो भी मैं कभी अपने मेरे गाँव में मेरे एक रिश्ते के नाम पर सिर्फ चतुरा भैया है विंध्याचल के लेकिन मैं बताऊँ आपसे मुझसे कितनी भी बड़ी गलती हो या उनसे उधर से भी कभी कोई उधर से तो कभी गलती का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि मेरे भाई के जवाब मुँह कभी मेरे से जवान खोल के मुझे उल्टा बोला ही नहीं है हर बात में जी दीदी जी दीदी बोलते हैं लेकिन बात बता रहे लेकिन तभी कभी ना मैंने उनके लिए बुरा सोचा है और ना मैं उनके सामने कभी बुरा बोलने की या कुछ भी बोलने की हिम्मत करती हूँ उनके सामने गुस्सा भी नहीं दिखाती क्यों क्योंकि मुझे अपनी पता है कि मेरे लिए एक वो घर है जहाँ कभी भगवान ना करे मुझे बुरा वक्त पड़ा तो वो घर मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा इसके लिए एक बात याद रखना पैसा नॉट प्रॉब्लम इश्यू आप पैसे से आप कभी आप पैसे से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो लेकिन पैसे से व्यवहार नहीं कर सकते भगवान आपको करोड़पति बनाता है एक बार बनाएगा जिस तरह से भगवान देना जानता है ना उस तरह से लेना भी जानता है अगर जिस दिन भगवान के अंदर जिस दिन इंसान के अंदर ये घमंड आ गया ना क्या अरे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मैं कर ले हम लोग कर लेंगे मैं कर लूंगा उस दिन इंसान जिस दिन इंसान के अंदर मैं आ जाता है ना उस मैं आने के बाद ये याद रखना कि इंसान बर्बाद हो जाता है मैंने बहुत सारे लोगों को इनविटेशन भेजा था जिन लोगों पे मैं भरोसा करती थी लेकिन भगवान के नाम पे थोड़ी ना कोई आएगा हाँ लेकिन अगर, अगर अभी विद्या देवी बुक बांट रही है या विद्या देवी पैसा बांट रही है या विद्या देवी कुछ बांट तो बाप रे लाखों लोग मेरे पास आएंगे सब लोग मुझे बोलेंगे अरे हम भेजते हैं हम भेजते हैं ऐसे लेकिन भगवान का प्रसाद लेने कोई क्यों आएगा मैं तो बोलती हूँ आज जिसने जिसने भी मेरे राम भगवान का प्रसाद का अपमान किया ना आज जीवन उसे कभी धन की धन का आगमन उसके घर में ना हो मैं सामने से कह रही हूँ आज क्योंकि मुझे बुरा इस बात का लगता है कि जब आप लोगों को जरूरत रहती है दो चार पैसों की जरूरत रहती है तो आप विद्यादी के सामने भीख मांगते हो लेकिन आज जब तुम लोगों को विद्यादी अपना परिवार समझ के बुलाती है किसी फंक्शन में तो आप लोग उस बात को इग्नोर करते हो ये अच्छा बात नहीं है देखिए मेरा घर तो ना दान धर्म वाला है आज भी दा, हमेशा देता रहेगा और मैंने हमेशा देने वाला हाथ फैला है कभी ऐसा कभी हमेशा ऐसा हाथ रखा ऐसा हाथ कभी नहीं किया और भगवान से हमेशा ऐसे बोलते तो कि ऐसे ही हाथ रखना ये बात है मैं एक बात सबको कहूंगी घमंड आदमी को एक बात चाहे मेरे को कोई कहीं भी बुलाता है ना तो भले अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे जाते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं किसी के दुख में या सुख में जाऊंगी तो कल मेरे घर में कोई दुख सुख पड़ेगा तो इंसान आएगा लेकिन एक बात याद रखना कि आप अगर आप कोई भी इंसान इस घमंड में रहेगा कि अरे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा वैसा तो एक बात याद रखना कि वक्त का पहिया बदलते टाइम नहीं लगता जब जो इंसान में मैं आ जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मैं हम लोग के हम लोग को किसी आगे झुकना नहीं ये वो जिस दिन जिसके अंदर मैं आ जाता है ना एक बात याद रखना उस दिन वो मैं नहीं आता है उस दिन वो अपनी बर्बादी की सीढ़ी चढ़ रहा होता है क्योंकि बर्बादी की सीढ़ी बहुत गंदी रहती है आदमी को हमेशा झुक के चलना सीखना चाहिए क्योंकि सर पे जब ठोकर लगती है ना कोई संभालने वाला नहीं मिलता विद्या देवी इतनी बड़ी जरूर बन गई है लेकिन घमंड एक पैसे का नहीं रखती हूँ क्यों मेरे को मैं तो अपने मैं तो गरीबों के साथ बैठ के खाना खाऊं मैं ऐसी हूं <coughs> देखते हो ना अपने मस्तान बाबा को मिलती हूँ मेरे मस्तान का बाबा कभी गुस्से में ऐसा ऐसा भगाने भी लगते तो भी मैं उनके पास जाके बैठती हूँ मैं तो उनका जूठा खाने से भी ना पीछे हटूँ क्योंकि मैं जमीन पकड़ के चलती हूँ जो इंसान जमीन पकड़ के चलेगा ना वो आगे बढ़ेगा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो झुक के चलना सीखो ये नहीं बोलूंगी कि झुक के चलने पे किसी का गुलाम बन जाओ नो झुक के चलना सीखो मतलब मान सम्मान रखना सीखो ऐसी बात है और ये भी बात बोलूंगी भाई ये भी नहीं बोलूंगी कि झुक के चलने में, अगर कोई सामने वाला झुका रहा तो हमें उसे झुका के आकर दिखाना चाहिए नहीं वो भी घमंड नहीं आना चाहिए ऐसी बात है मैं अपने आगे कभी मैंने कभी किसी को इस तरह का घमंड नहीं दिखाया कि मैं मैं हूं मैं ये कर सकती मैं हाँ कभी कल गुस्सा आता है क्योंकि क्या होता है जब हम लोग ने हम लोग बहुत कुछ करते हैं सबके लिए और जब सामने वाला हमारी चीज़ों को इग्नोर करता है तो हम बोल के दिखा देते हैं लेकिन उस बोल के दिखाने में वो सिर्फ जबान इधर तक रहती है मुंह तक दिल तक नहीं रहती है क्योंकि दिल में तो कुछ और ही चल रहा होता है मेरी आदत है माफ कर देना आपको पता है मेरे घर पे इतने लोग सब काम कर कर के गए ना निकल गए ना आज की तारीख में वो लोग काम कैसा ढूंढते जो मेरे घर में काम था मेरे घर में जैसा काम सबको चाहिए कि जहाँ पे जाए आराम से खाए पिए पैसा मिले सब कुछ मिले लेकिन वैसा काम कोई नहीं देगा क्योंकि आपको मे विद्या देवी जैसे कोई सर पे चढ़ा के नहीं रखेगा आप कहीं भी जाओगे आप देखो कहीं भी आप काम पे जाओ सामने वाला मालिक जैसा कपड़ा पहनेगा नौकर को बिल्कुल वैसा कपड़ा नहीं पहनने देगा काय के लिए नौकर जाओ। आप किसी भी सेलिब्रिटी के साथ जाओ उनके नौकरों को देखो उनके नौकर का घटिया से घटिया कपड़ा रहो पहनने नहीं देंगे क्यों क्योंकि उनको ऐसा है कि हमारी बराबरी में नहीं आने का लेकिन विद्या देवी ऐसी ना कि मेरा मन तो ऐसा है कि अगर मैं गहने पहनूँ तो सामने वालों को भी मेरे घर में जितने काम करने वाले मैंने सबको गहना पहना है जितने सीखने वाले सबको गहना पहनाया आज सारे सीखने वाले रो रहे हैं आपको क्या लगता है स्नेह लता ये लोग कितनी बार मुझे मैसेज करते हैं माँ मुझे कुछ पैसों की मदद कर दो सोचो कितनी चर्बी थी जब मैं दे रही थी जब मैं दिल खोल के दे रही थी तब ये लोग मेरे चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे थे तब ये लोग मेरे को दुखी करने को देख रहे थे आज खुद दुखी है ना इन्होंने खुद अपना रास्ता बन के देखिए मैं कैसी हूँ मालूम है मैं सीधी बात बताती हूँ मैं ऐसी हूँ ना मैं आप पर एक बार आपके पीछे एक बार ध्यान दूँगी दो बार ध्यान दूंगी लेकिन जब मुझे लगेगा कि अब आप लोग मुझे इग्नोर करने को देख रहे हो और आप मुझे उस बात को नहीं दे रहे हो तो मैं अपना रास्ता बदल देती हूँ क्योंकि भाई पत्थर पर सर मारने से अच्छा रास्ता बदली करो आगे बहुत सारी काम है एक जन एक जन सीख के अगर मुझे धोखा दे रहा है तो मैं दूसरी जगह देखूंगी शायद कोई तो ईमानदार सीखने वाला मिलेगा आज हाजिदा है पैसा वो भी लेती कभी कभी ऐसा नहीं लेकिन उसको पता है कि मेरी जरूरत मेरी माँ ही पूरी कर सकती है अगर कभी मैं नाराज होती हूँ तो मुझे पचास बार सॉरी बोलती क्यों क्योंकि उसको पता है वो बोलती जब माँ मेरे घर में राशन खत्म हुआ हो, सब होता आपने दिया हमारे एक जानने पहचानने वाले हैं आपको सच बोलती हूँ जिन लोगों का मैं नाम नहीं लूंगी उनके घर में वो लोग चावल की कंजी बना के खाते थे आज जब जब मेरे साथ उनका जुड़ा हुआ था तो मैं सही बोलूँ तो लाखों करोड़ों रुपए दिया मैंने उनको लाखों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए दिए उनको मैंने मतलब लाखों रुपए का गहना वहना लेकिन जब उन लोग के अंदर घमंड आया ना घमंड कब जब मेरे को नशा दिया जा रहा था ना और मेरे को याद है कि उसको तो मेरे को खाना नहीं नसीब हुआ था मेरे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था और मैंने उन लोगों को कहा था कि मेरे घर पर जरा आ जाओ मेरे साथ रहो लोग नहीं आए थे वो दिन था मैंने वो दिन उन लोगों को छोड़ दिया था आज का दिन है कि आज वो लोग सबसे भीख मांग मांग के थक जा रहे सारे गहने उतर गए सारे पैसे चले गए और आज वो लोग भीख मांग रही है आज अब वो लोग तरसते हैं कि विद्या देवी की एक नज़र तो पड़े हम पे कि हमको दो पैसे का फ़ायदा हो ऐसा ये बात है इसलिए बोलो घमंड मत खाओ ये जो लोगों ने आज ऐसी की है ना हरकत मुझे बहुत बुरा लगा है भाई मैं तो मुँह पे बोलने वाली हूँ कि मैंने अगर किसी को बोला और किसी ने मुझे मना किया है और मेरे घर पे आके इस तरह से मना किया और ऊपर से मेरी पूजा में अर्चन डालने को देखा तो देख लीजिएगा बड़ी बात नहीं करूँगी परसों काड़ू जा रही बुधवार को देखना सबका क्या हाल होगा ये बात पक्की मेरी जय माता दी